अपना देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तरह तरह के वादे करती है, लेकिन देश का ज्यादातर किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है, कभी सूखे की मार से तो कभी प्रकृति की मार से और कभी बैंक से लिए हुए कर्जे की मार से। हर तरफ से किसान का मरना ही होता है। पानी की जांच से किसानों के उड़े होश। बता दें कि मथुरा में अब की बार किसान के सामने एक नई समस्या पैदा हो गई है, जिससे किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। किसान की सबसे बड़ी परेशानी का कारण है सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाला पानी, क्योंकि बिना पानी के फसल उगाना संभव नहीं होता। पूरा मामला मथुरा के किसानों से जुड़ा हुआ है। मथुरा के गोवर्धन विकास खंड के गांव रसूलपुर का, जहां किसान खेत में अच्छी पैदावार न होने के कारण परेशान है। किसान ने अपने खेत के पानी की जांच मथुरा के बेतनरी विश्वविद्यालय में करवाई। पानी की जांच होने के बाद वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में खेत के पानी का TDS 2600 आता है, जिससे किसान के होश उड़ जाते हैं। 2600 TDS वाला पानी खेती के लिए तो उपयोगी है ही नहीं, लेकिन पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। खेती के लिए पानी का TDS 700 होना चाहिए। जब हमने पानी का जांच कराने वाले किसान दिनेश चंद्र से बात की, तो किसान ने बताया कि मानकों के अनुसार खेती के लिए पानी का TDS 700 होना चाहिए। डॉक्टर ने किसान को सलाह दी कि वह अपने खेत में डी कंपोजर का उपयोग करे, जिससे खेत की मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों को बढ़ता है, मिट्टी की हेल्थ बढ़ता है। लेकिन किसान की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि खेत के पानी का TDS काम करने के लिए बड़े RO प्लांट लगवाए जा रहे हैं और सरकार इसमें सब्सिडी देती है, लेकिन फिर किसान को अपनी पास से 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आमदनी के हिसाब से किस उनका इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद अगर हम सैंपल की चेक करेंगे, ये सैंपल में हमारा ये TDS आ रहा है, हमारा ये मीटर है 2000 TDS के लगभग 1990 का मेजर करता है और ये इससे ऊपर TDS जा रहा है, इसलिए 100 कर देता है, इससे ऊपर का मेजर नहीं कर पाता। अगर हम इसे मेजर करना है तो सर डायलेशन फैक्टर लगा के हम मेजर एक्चुअल इसका TDS। इसी तरह से हमारा ये हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाटर में हम डालते हैं तो हमारी EC लगभग 0 आनी चाहिए, 0 आ गई है वाटर में। अगर TDS कितना है, इसी का मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत संवाहिता यानी लवणों की मात्रा निर्भर करती है। ये हमारे जो इरिगेशन वाटर है, सिंचाई युक्त जल है, उसमें 1 से कम होनी चाहिए। उसमें सभी फसलें आप उगा सकते हैं, वैसे विशेष फसलें हैं 4 तक उगा सकते हैं, जैसे पालक है आपका, जई है, ये हम 4 TDS तक ग्रो हो सकती हैं। अगर 4 TDS वाले में हम गेहूँ उगाएंगे तो उसका जर्मिनेशन ही नहीं होगा, गेहूँ दाना वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। जब पलेवा करता है किसान भाई, कहता है कि हम इरिगेशन हमने अपने बोर से सिंचाई की है, तो हाई TDS उस पानी का होने के कारण, अगर इस पानी से हम सिंचाई कर देंगे तो 3 या 4 साल बाद उस खेत में किसी तरह का अन्न जमना बंद हो जाएगा, क्योंकि साल्ट की मात्रा ज्यादा रहेगी। उसकी साल्ट की जो पसीजन होती है, अगर हम गाँव की भाषा में कहें तो पसीजन होती है, वो हमें दिखाई देती है कि नमी है। एक्चुअल वो नमी, जब तक हमारे दाने को नमी नहीं मिलेगी यानी पानी नहीं मिलेगा फूलने के लिए, तब तक वो जमेगा नहीं। और किसान भाई क्या करते हैं, सोचते हैं जब आल आ जाए यानी नमी आ जाए प्रॉपर, लेकिन तब तक वो हमारे उससे निकल चुकी होती है। यहाँ पानी में जो TDS है ना, खेती के लिए बिल्कुल पानी को खराब बताया है। मैंने TDS को पानी चेक कराया था वेटनरी कॉलेज में मथुरा, तो हाँ मथुरा, वहाँ रविंद्र राजपूत करके हैं भाई साहब, तो उन्होंने ये चेक किया था। मिट्टी भी चेक कराई है, मिट्टी की बहुत pH यानी मिट्टी भी ख़राब है यहाँ की और पानी भी ख़राब है। पानी का लगभग 2600-2700 TDS है यहाँ पे, जो खेती के लिए बिल्कुल ख़राब है। खेती के लिए कितना होना चाहिए, खेती के लिए उन्होंने बताया था 700 से नीचे TDS होना चाहिए पानी में, जबकि आप खेती कर सकते हैं, जबकि आपका 700 से ऊपर है। 700 से ऊपर तो है क्या, वो तो तिगुना है, 2600-2700 काफ़ी बेकार है। हाँ, खेती के लिए बिल्कुल ख़राब। तो आप ये स्थिति आपकी कब से है, ये पानी के TDS की, तो जब से यहाँ मिट्टी है जमीन, तो आप सिंचाई कैसे कर पा रहे हैं या खेती के लिए आप खेती कैसे कर पा रहे हैं, कहाँ से पानी की व्यवस्था कैसे की जा रही है? अब खेती के पानी, इसी पानी से खेती करते हैं तो खराब खेती होती है इससे।
तो फिर मैंने ड्रिप इरीगेशन लगवाया। ये आपने कुंड वगैरह ये बनवा रखे हैं, इसमें ये भरा हुआ है, क्या है ये चीज़, क्या है, क्या करता है? डीकम्पोजर है, ये मिट्टी की हेल्थ को सही करता है। और क्या करता है ये जो भी हम इसमें जो सूक्ष्म तत्व है उसको बढ़ाता है मिट्टी में, मिट्टी की हेल्थ को सही करता है, और जो रासायनिक खेतों से जो खेती खराब होती जा रही है, मिट्टी खराब हो रही है, उसके असर को कम करता है ये। अच्छा, फिर आपकी सिंचाई के लिए व्यवस्था की, आप यहाँ पे अपना टीडीएस चेक कराया उन लोगों ने जिस डांग साहब के पास, रविंद्र जी आप बता रहे हैं उन्होंने कराया, क्या उन्होंने सलाह दी आपके लिए, फिर कैसे किस प्रकार आप सिंचाई? उन्होंने ये कहा था रविंद्र जी ने कि यहाँ इस पानी से आप खेती नहीं कर सकते, ये बिल्कुल आपकी ज़मीन को ख़राब कर देगा, मिट्टी को ख़राब कर देगा, आप इससे खेती न करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सर कुछ सजेशन हो तो उन्होंने तो कुछ सजेशन यही बताया, डीकम्पोज इस्तेमाल करो, गाय का यानी गोबर का खाद इस्तेमाल करो, हरी खाद जितवाओ उसमें। फिर एक भाई साहब थे, उन्होंने ये बताया था कि सरकार की तरफ से एक बड़ा आरओ प्लांट लग रहा है जो टीडीएस को काफ़ी हद तक वो कम कर देता है, उससे फिर ड्रिप इरीगेशन में आप पानी को इस्तेमाल करो, उससे अच्छी खेती कर सकते हैं। तो क्या वो सरकार की तरफ से आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा? नहीं, निःशुल्क तो नहीं, कुछ सब्सिडी वगैरह छूट पर मिलेगा, वो 2-2.5 लाख रुपये हमें खर्च करना पड़ेगा, बाकी का कुछ सरकार मदद करेगी ऐसा करके। तो क्या आप 2-2.5 लाख रुपये खर्च करने के लिए सक्षम है? नहीं, इस स्थिति में खेती से जो हमारी इनकम है उससे तो हम सक्षम नहीं है। तो फिर कैसे कर्ज करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ऐसा तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसा हमारे पास वैसे तो है नहीं सर। तो आप कर्ज करके नहीं इस व्यवस्था को करेंगे अगर खेती करनी होगी तो? हाँ, मैं वैज्ञानिक आधुनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए बस ये है कि सबसे पहले हमें मिट्टी, हमारे पास जमीन है तो पानी होना चाहिए सेकंड नंबर, पानी हमारे पास अच्छा है नहीं। आपने ये डीकम्पोजर बना रखा है, इसमें क्या क्या चीज़ आपने मिश्रण की है, क्या क्या मिला हुआ है इसमें? इसमें डीकम्पोजर तो वहाँ से आया था, गाजियाबाद से जी। अब इसमें जब हम इधर देखो, उसमें 200 लीटर पानी में मिलाते हैं, तो उसमें 200 लीटर पानी में मिलाने के बाद इसको मिला देते हैं, उसमें फिर 2 किलो गुड़ डालते हैं और करीब 1-2 किलो उसमें किसी भी दाल का आटा डालते हैं, तब जाके तैयार होता है। किस प्रकार इसको खेत में यूज किया जाता है? इसको जैसे हम सिंचाई करते हैं, जैसे जिस हम क्यारी में पानी चलता है उसी में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, वो पूरी पानी के साथ पूरी खेती में मिल जाता है, उससे वो खेती सही हो जाती है। एक एकड़ में करीब 200 लीटर में बताया ये। अच्छा, ये घोल डीकम्पोजर घोल 200 लीटर डाले हम एक एकड़ में, तो उसकी मिट्टी की हेल्थ को अच्छा करता है। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ मदद हो जाए इसमें, जिससे हम सिंचाई कर सको, हमारे टीडीएस का पानी ये सही हो जाए और तो हम अच्छी खेती, आधुनिक खेती की तरफ बढ़े, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहता हूँ मैं, जैविक खेती करने के लिए। तो क्या आपके यहाँ ये धान वगैरह की जैसी कोई खेती है ना, कोई बारी वगैरह, कोई सब्जी वगैरह नहीं होती है? नहीं, यहाँ पे नहीं होता। क्या क्या कर केवल यहाँ गेहूँ सरसों जौ ये चीज कर सकते हैं बस, जो टीडीएस है उसके लिए बताया है वैज्ञानिकों ने कि आप इससे कोई खेती नहीं कर सकते, आप कोई खेती अच्छी वाली खेती नहीं होंगी आप इसमें।